वजीरे आजम बनते ही कश्मीर का रोना रोने लगा शरीफ। कश्मीर में कैसे कायम होगा अमन चैन? पाकिस्तान की आवाम को बरगलाने का सबसे आसान तरीका। इमरान को राजनीति की पिच पर शरीफ ने किया क्लीन बोल्ड। पीएम मोदी तक को दे डाली सलाह। मोदी ने बधाई के साथ दिया दो टूक जवाब। पाकिस्तान के वजीरे आजम बनते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। अमूमन होता भी यही है, कोई राष्ट्रपति बने या बने प्रधानमंत्री, उसकी राजनीति की रोटी सबसे पहले कश्मीर के तवे पर सिकती है। बात करें तो फहरिस्त बहुत लंबी है, जिया उल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ हो या नवाज शरीफ से लेकर अभी हाल ही में अपदस्त हुए इमरान खान हो, सबने ही सत्ता संभालते ही कश्मीर का रोना रोया था। ऐसा वे करे भी क्यों ना। पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान रहे हों, सबको यही लगता है कि पाकिस्तान की आवाम का प्यार और ध्यान अपनी सरकार की तरफ खींचने का सबसे अच्छा और आसान तरीका कश्मीर ही है। उनको ये लगता है कि कश्मीर के लोगों के दुख दर्द के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाकर पाकिस्तान की आवाम को खुश कर पाएंगे और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के लोग कुछ समय के लिए अपनी गुरबत को भूल सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं। पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत से बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन मसला है कश्मीर को हल किए बिना अमन कायम नहीं हो सकता। और साथ ही उन्होंने कहा कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे, राजनयिक स्तर पर काम करेंगे, उन्हें सपोर्ट देंगे, वे हमारे लोग हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में कश्मीर के साथ जो हुआ, आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, हमने कोई कदम उठाए क्या? मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया कि कश्मीरियों के साथ क्या हश्र हो रहा है। कश्मीर की वादी में कश्मीरियों का खून बह रहा है, वहाँ की वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो गई है। तो तब हो गई जब उन्होंने पीएम मोदी को ही सलाह दे डाली और समझाते हुए कहा, आप समझे कि दोनों ओर गरीबी है, बेरोजगारी है, हम अपना और अपने आने वाले नस्लों का नुकसान क्यों करना चाहते हैं? आइए कश्मीर मसले की कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें, भारत और पाकिस्तान खुशहाली लेकर आए। पीएम मोदी कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी शरीफ को उनके ही अंदाज में ही बधाई देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम बदकिस्मती से भारत से बेहतर संबंध नहीं बना सके। नवाज शरीफ ने भारत से बेहतर संबंध चाहा था। शरीफ ने कश्मीर को हथियार बनाकर इमरान खान उर्फ नियाजी खान पर जमकर हमला बोला और राजनीति की पिच पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इमरान खान के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है कि उनकी रुखसती इस अंदाज में हुई कि उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई कि उनके लिए किसी शायर की ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। आपको बता दें कि शरीफ केवल नाम के ही शरीफ हैं। भारत के खिलाफ तो अक्सर बदमाशी और छल ही करते हैं, वो जब पंजाब प्रांत के सीएम थे तब भी केवल भारत के खिलाफ जहर ही उगलते थे। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, लेकिन ये सच है। उनके कुछ पहले के बयानों के बारे में बताते हैं। साल 2010 में शहबाज शरीफ का मानना था कि यूनाइटेड नेशंस के प्रस्तावों के जरिए कश्मीर का समाधान संभव है, और तो और भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने की बीमारी 2010 से अब तक बदस्तूर जारी है। 2012 में उन्होंने कहा था कि कश्मीर मुद्दे को कश्मीरियों की आकांक्षाओं के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सार्थक और व्यवहारिक बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जा सकता है। 2019 में भारत द्वारा आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद शहबाज ने इसकी निंदा करते हुए कहा था कि भारत का यह स्टैंड यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ युद्ध की घोषणा है।